हेलो स्टूडेंट, कंसेप्ट एंड सॉल्यूशन में वेलकम है। आज वीडियो में हम लोग आज थ्योरम नंबर 6.1 को प्रूव करते हैं। इस थ्योरम को हम लोग बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम भी कहते हैं, बीपीटी। बट इस थ्योरम को क्या बोलेंगे? बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। क्या बोलेंगे? बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, या इस थ्योरम का और नाम क्या है, इस थ्योरम का और नाम कहते हैं, इसको बोलेंगे थेल्स थ्योरम भी कहेंगे। क्या बोलेंगे? थेल्स थ्योरम, ठीक है। तो इस थ्योरम को हम लोग पहले समझते हैं कि यह थ्योरम कहता क्या है। थ्योरम कह रहा है, इफ वी ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू अ साइड ऑफ द ट्रायंगल, दिस पैरेलल लाइन डिवाइड्स द अदर two sides in the triangle in equal ratio। कहते हैं कि first of we draw a triangle। कह रहा है कि एक triangle है जिसमें एक side का parallel एक line draw किया गया है, ठीक है। ये triangle आपका ABC एक triangle लिया और एक BC साइड का एक पैरेलल एक लाइन ड्रॉ किया, जो अदर टू साइड को लिखा हो, अदर टू साइड को टू डिस्टिंक्ट पॉइंट पे क्या कर रहा है, कट कर रहा है, टू डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट कर रहा है। तो कहता है इस थ्योरम से कि यह जो टू पार्ट्स हुआ, दैट इज AD और DB, और इधर जो साइड एसी जो ई पॉइंट पे जो डिस्टिंक्ट कटा, तो ए बाय ईसी, ठीक है। दैट इज, तो कह रहा है कि दोनों पैरेलल लाइंस डिवाइड द अदर टू साइड। ये पैरेलल लाइन जो डी है, अदर टू साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करता है। दैट इज, यहाँ पे आपको करना क्या, प्रूफ क्या करना है, to prove that AD by DB is equal to AE by EC, ठीक है। AD by DB is equal to AE by EC, ठीक है। यह जो पैरेललाइज ड्रॉ किया है, ये दो साइड को सेम रेशियो में, ठीक है, सेम रेशियो में आपको क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। यही आपका थेल्स थ्योरम कह रहा है, दैट मींस थ्योरम 6.1 कह रहा है, ठीक है। आइए इस थ्योरम को प्रूव करते हैं। तो आपका गिवन क्या है, ऑलरेडी आपको दिया हुआ है गिवन में। गिवन क्या है, एक एबीसी इधर ट्रायंगल, एक एबीसी ट्रायंगल है जिसमें डी क्या है, डी पैरेलल बीसी है। डी पैरेलल क्या है, बीसी है, ठीक है। चलिए अब इसमें थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करेंगे हम लोग। चलो क्या कंस्ट्रक्शन करोगे, तो आपको कंस्ट्रक्शन करने के लिए आपको क्या करना है, इस डी से सी को मिला देना है। बट डी से सी को मिला दीजिए और बी को किससे मिला दीजिए, ई से मिला दीजिए, ठीक है। और डी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए ए पे, और E से परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए AD पे, ठीक है। अब इस बात को यहां पे हम लोग लिख लेते हैं, क्या क्या ज्वाइन किया, ज्वाइन DC एंड BA, और क्या परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, इसका नाम लिख दीजिए DN और EF, ठीक है। तो DN परपेंडिकुलर किस पे ड्रॉ किया, डीएन परपेंडिकुलर ए हो गया एंड एमी परपेंडिकुलर किस पे हो गया, एडी, ठीक है। ये हमने कंस्ट्रक्शन कर लिया, ओके। यहां तक सबको समझ में आ रही है, गुड। चलिए अब आते हैं प्रूफ करते हैं। प्रूफ करने में हमें क्या करना है,
एरिया ऑफ ट्रेंगल का यूज करना है। एरिया ऑफ ट्रेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, तो यहाँ पर गड्ढा के सबसे पहले यहाँ पर देखिए ट्रेंगल दिखाई दे रहा है ए बी ई, व्हाट ए डी ई, तो हम क्या करेंगे एक ऊपर से एक ट्रेंगल लेंगे ए डी ई और इसका कोई हम क्या लेंगे एल्टीट्यूड लेंगे और एक बेस होगा और नीचे से आपका ट्रेंगल बन रहा है देखिए डी बी ई और डी सी ई दो ट्रेंगल बन रहा है, जिसमें से हम एक ऊपर लेंगे ट्रेंगल और एक नीचे का ट्रेंगल का रेशियो लेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे नाउ एरिया ऑफ ट्रेंगल ए डी ई व्हाट ए डी ई बाय एरिया ऑफ ट्रेंगल इधर से लेता हूं डी बी ई इक्वल टू द एरिया ऑफ ट्रेंगल क्या होती है हाफ इनटू बेस ए डी ट्रेंगल है जी ए डी ई में अब बेस क्या ले रहे हैं बेस ले लेते हैं ए डी देखिए बेस ए डी हो गया ट्रेंगल बाहर बना के बना देख सकते हैं ए डी और ई है और यहां से परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा एम ठीक है परपेंडिकुलर एम हो जाएगा तो हाफ इनटू बेस क्या हो गया ए डी हो गया इनटू परपेंडिकुलर काम कौन कर रहा है एम ई बाय नीचे क्या लिखेंगे डी बी देखिए डी बी डी बी ई इस फिगर को बनाइए ठीक है ये आपका डी हो गया और बी हो गया और ई हो गया ठीक है तो इसकी इसका जब हाइट लेंगे एल्टीट्यूड लेंगे तो ये क्या होगा एक एक्सटेंडेड पार्ट पे होगा यह एक्सटेंडेड पार्ट है एक्सटेंडेड पार्ट पे ईएम ईएम परपेंडिकुलर काम करेगा ईएम क्या होगा परपेंडिकुलर का काम होगा ये आउटर पोर्शन में आपका परपेंडिकुलर डाला गया है कौन सा ट्रायंगल डीबीई के लिए ईएम ट्रायंगल परपेंडिकुलर का काम करेगा ओके लिखते हैं 1/2 इनटू और बेस कौन काम करेगा बेस देखिए बेस आपका यही लिखना है डीबी तो बेस हो गया डीबी इनटू एमई ठीक है अब हाफ हाफ कट गया और कौन सा कट गया एमी एमी कट गया तो यहां से आपका क्या हो गया यहां से आपका आ गया रेशियो हमें मिला एडी बाय डीबी ठीक है फिर अगेन क्या करते हैं अगेन फिर ट्रायंगल एडीई को फिर से लेते हैं तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन लेंगे नीचे अब कौन सा होता है डीसीई कौन सा डीसी डीसीई कौन सा ट्रायंगल लेंगे डीसीई तो उसी तरह फॉर्मूला लगाएगा 1/2 और अब एडीई का जो एडी ट्रायंगल है इसका हम क्या करें बेस और हाइट को चेंज कर देंगे बेस हाइट मतलब बेस और परपेंडिकुलर को चेंज कर देंगे अब बेस कौन सा लेंगे एई कौन सा देखिए यहां पे आप इस फिगर को बना सकते हैं ए डी ई अब बेस का काम ये करेगा हाइट का काम कौन लेगा डी ए हाइट का काम कौन करेगा डी ए तो हाफ इनटू बेस का काम हो गया ए इनटू डी एन बाय 1/2 अब देखते हैं डी सी ई डी सी ई डी सी ई तो डी डी सी का स्ट्रक्चर कैसा है ऐसा बना हुआ है डी ई सी ठीक है तो इसका भी हाइट हम लोग बोल देंगे इसका हाइट होगा आपका ए डी एन इसका भी हाइट कौन सा हो जाएगा डी एन हो जाएगा और बेस कौन हो जाएगा सी कौन सा सी तो लिखेंगे बेस सी ए टू डी एन ठीक है ए आपका हाफ हाफ कट गया डी एन डी एन कट गया तो यहां से हमें क्या मिला यहां से हमें मिला ए बाई ई सी ओके ए बाई ई सी आ गया चलिए अब हमें क्लास 9 में हम लोग पढ़े हैं कि दो पैरेलल लाइन के बीच में अगर दो ट्रायंगल फॉर्म करेगा तो दोनों ट्रायंगल का एरिया इक्वल हो जाए देखिए यहां फिगर इसको बाहर निकालते हैं एक ट्रायंगल है डी डी ई सी वन ऑफ ट्रायंगल इज ए व्हाट डी बी ई और देखिए ये दोनों आपको ऑलरेडी पैरेलल दिया हुआ है
और इसमें एक कॉमन बेस क्या ले लेते हैं डी। मान लीजिए ये कॉमन बेस है डी और ये दो पैरेलल लाइन है, तो डी डी कॉमन बेस पर एक ट्रायंगल बन रहा है डी डी बी ई और अनदर ट्रायंगल बन रहा है डी सी ई। ठीक है, तो यहां से लिख सकते हैं सिंस एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा डी बी ई इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल डी सी ई बिकॉज, बोलिए बिकॉज, इसमें आप रीजन लिखेंगे बिकॉज बोथ ट्रायंगल्स लाइज बिटवीन टू पैरेलल साइड्स एंड कॉमन बेस, एंड व्हाट कॉमन बेस, एक क्लास 9 में थ्योरम पढ़ना था, तो इसके अनुसार से दो पैरेलल लाइन और एक कॉमन डी पे दो ट्रायंगल फॉर्म करा था, दोनों का एरिया सेम हो जाएगा। तो आप यहां से बता दिया, आप देखिए एडी यहां पर इक्वल था और नीचे का भी पोर्शन, नीचे का भी एरिया इक्वल हो गया, तो दैट इज, यहां से आप लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल व्हाट डीबीई इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल व्हाट आपका डीसीई। ठीक है, ये दोनों इक्वल हो गया, दैट इज, यहां से आप लिख सकते हैं, इसके जगह पे आप क्या है एडी दिया हुआ है, एडी जब ये दोनों पोर्शन इक्वल हो गया तो इधर से भी राइट साइड भी क्या हो गया इक्वल हो जाएगा, तो ए डी बाई क्या लिखेंगे डी बी इक्वल टू कितना हो जाएगा ए बाई ई सी। तो ए आपका थ्योरम प्रूफ हो गया, यही जाना था ए डी बाई डी बी इक्वल टू ए बाई ई सी, ये आपको प्रूफ करना था, ये प्रूफ हो गया। ठीक है, प्रूफ हो गया आपका, इसको इसमें थोड़ा सा और इसको एक्सटेंड कर सकते हैं इस थ्योरम को, इसमें दोनों साइड में आप क्या कर लिए वन ऐड कर दीजिए, वन ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा ए डी बाई डी बी प्लस वन इक्वल टू ए बाई ई सी प्लस वन। इसको सोल्व करेंगे तो देखिए एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा ए डी प्लस डी बी बाई डी बी इक्वल टू ए प्लस ए सी बाई ए सी। ठीक है, ए अब ए डी प्लस डी बी, देखिए ए डी प्लस डी बी को क्या बोल सकते हैं, इसके जगह पर आप लिख सकते हैं ए बी बाई डी बी, ए बी बाई डी बी इक्वल टू क्या हो जाएगा ए सी बाई ई सी। ये भी आपका थेल्स थ्योरम से ही मिला है, मीन्स डीबी बाई ए बी और इसी बाई ए सी, मतलब एक छोटा पार्ट और बड़ा, और इधर से भी इसी है छोटा और एक बड़ा, ये भी आपका थेल्स थ्योरम से ही मिला है। और एक और भी आप लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं थ्योरम को ए डी बाई, ऐसे ए डी बाई ए बी भी लिख सकते हैं, ए डी बाई ए बी इक्वल टू ए बाई ए सी, ये भी आपका थेल्स थ्योरम से ही मिला है। ठीक है, तो ये हमने देख लिया कि थेल्स थ्योरम कैसे प्रूफ होता है और इसको, इस थ्योरम को अच्छी तरह समझ गए होंगे। थैंक यू।